गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट फैशनिस्टा एक्सपेरिमेंट। गाइस हेयर फॉल की प्रॉब्लम आजकल गर्ल्स और बॉयज दोनों में बहुत ही कॉमन है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अपने हेयर की अच्छे से केयर करते हैं, उसको ऑयलिंग, शैम्पू, सीरम करने के बाद भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। और सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, हेयर डैमेजिंग और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी लेंथ एक जगह पर आके रुक जाती है, उसके बाद उनके हेयर ग्रोथ नहीं होता है। सो ये सब हमारी डाइट पर भी डिपेंड करता है कि हम अपनी डेली डाइट में कौन से फूड आइटम इंक्लूड कर रहे हैं। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको 10 फूड आइटम बताऊंगी जो कि आपको इजीली आपके किचन में मिल जाएंगे। सो अगर उनको आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं देन आई कैन गारंटी यू कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी हेयर ग्रोथ जो एक जगह रुक गई है वो बढ़ने लगेगी। सो हेयर आर दोस 10 फूड आइटम्स। गाइस पालक सिर्फ हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में ही नहीं बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पालक में सिर्फ विटामिन ए, सी और के ही नहीं बल्कि आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ओमेगा 3 एसिड होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हेयर फॉल को कम करता है। सो गाइस अगर आप डेली पालक का जूस पियेंगे तो सिर्फ एक महीने में आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं अपनी हेयर ग्रोथ में। सो गाइस हमारा दूसरा फूड आइटम स्वीट पोटैटो है जिसे हम हिंदी में शकरकंद भी बोलते हैं। स्वीट पोटैटोज आर रिच इन विटामिन ई जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो गाइस हमारा तीसरा फूड आइटम है गाजर जो कि हमारे आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है सोयाबीन, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ स्पर्मिडीन कंपाउंड जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है स्वीट पेपर्स। स्वीट पेपर्स में विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है और ये दो न्यूट्रिएंट्स इंश्योर करते हैं कि हमारे हेयर हेल्दी रहें और इसमें हेयर ग्रोथ अच्छे से हो। सो गाइस जो नेक्स्ट है वो है सीड्स। सीड्स में विटामिन ई और अदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसमें ओमेगा 3S होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। सो गाइस नेक्स्ट आइटम हमारा वॉलनट है जिसे हम हिंदी में अखरोट भी कहते हैं। इसमें सिर्फ विटामिन बी नहीं बल्कि B1, B6, B9, ई और प्रोटीन, मैग्नीशियम और बायोटिन भी होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे हेयर फॉल को बहुत हद तक कम कर देता है और न्यू हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो नेक्स्ट आइटम उनके लिए है जो एग खाते हैं। अगर आप एग लेते हैं तो आपको अपनी डाइट में डेली एक एग इंक्लूड करना कंपलसरी है बिकॉज इसमें प्रोटीन और बायोटिन भरपूर मात्रा में होता है। सो आपके बालों के लिए और बालों की हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो इसका एक मास्क भी लगा सकते हैं जो कि आपके बालों को, स्कैल्प को प्रोटीन देगा। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है वो है बीन्स। बीन्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिंक, आयरन एंड बायोटिन जो कि हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत बढ़ाता है और हमारे ये हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट। सो इसे इंक्लूड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो जो हमारा नेक्स्ट फूड आइटम है वो तो सबका फेवरेट होता ही है, मेरा भी फेवरेट है, और इसमें विटामिन ई, बी, जिंक और सारे इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसे अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस ये थे वो 10 फूड आइटम जो कि आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे 10 आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, लेकिन इनमें से 2 या 3 फूड आइटम आपको डेली डाइट में इंक्लूड करना कंपलसरी है अगर आप अपनी हेयर फॉल और हेयर लेंथ या फिर हेयर डैमेजिंग जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। सो गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।